भाई कुछ खाना चाय नाश्ता करने को मिला ही नहीं यार। गाड़ी ऊपर तक जा सकती है और नज़ारा देखो यार क्या। ये रहे शंकर भोलेनाथ। ये हेलीकॉप्टर वाली तितली यहाँ से शुरू होती है सीढ़ियाँ भोलेनाथ की मूर्ति, और ये चारों तरफ का व्यू देखो भाई। शूज यहीं उतारो और पैदल पैदल जाके ऊपर चारों तरफ घूमो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। लिटरली यार कुछ भी खाने को नहीं मिला। तो भाई टाइम हो गया 6:50 और 1.3 किलोमीटर्स बचा हुआ है हमारा वो टेंपल। आई थिंक वो रहा दिख गया पहाड़ के ऊपर। और अभी छोटे छोटे थोड़े दो तीन गांव क्रॉस किए हमने। वो देखो वो दिख रहा है ऊंचाई पे अपना टेंपल। आई गेस वही है। यस वही है, वही टेंपल है। 900 मीटर्स रिमेनिंग। देखते हैं फिर गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, कैसे जाना है, क्या करना है, सब कुछ अपन देखेंगे। भाई कुछ खाना चाय नाश्ता करने को मिला ही नहीं यार, क्या करेंगे अगर उधर भी कुछ नहीं मिला तो। और मुझे लग रहा नहीं मिलेगा क्योंकि ये आगे से ही राइट दिखा रहा है। ये रहा, ये सड़क से अपने को मंदिर की तरफ राइट लेके मुड़ जाना है। ये रहा अपना गेट। वो रहे शंकर भगवान। गाड़ी ऊपर तक जा सकती है, चलते हैं देखते हैं कहाँ तक जाती है गाड़ी। एंड वो देखो ऊपर शंकर भगवान बैठे हुए हैं। और नज़ारा देखो यार क्या खतरनाक नज़ारा है। ओके पार्किंग एरिया कहाँ है? ये रहे शंकर भोलेनाथ। ओ भाई गाड़ी इधर कहीं पे लगाते हैं। कितना बेहतरीन नज़ारा है यार। बस मुझे वो रहे शंकर भोलेनाथ। कोई नहीं आया यहाँ पे, मतलब कोई भी ट्रैवलर राइडर इधर नहीं आया है। क्या शानदार बेहतरीन नज़ारा है, देख रहे हो? इधर कुर्सी पे बैठने के लिए जगह भी बनाई गई है। और ये रहा मंदिर ऊपर, बहुत ही बेहतरीन जगह है। और भाई प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी खाने को नहीं मिला अपने को और ना यहाँ मिलने वाला है। चलो फटाफट ये मैं मतलब तो हेलमेट वगैरह निकालता हूँ, उसके बाद का अपडेट दे दें क्या क्या करना है। ये देखो भाई, ये हेलीकॉप्टर वाली तितली मेरे हेलमेट और इंटरकॉम के बीच में फंस गई है। इसको बचाते हैं। चल निकल जा, उड़ जा। बड़े सॉफ्ट होती हैं सब यार, ये सब कैसे उड़ेगी यार ये। उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा। नहीं उड़ पाएगी क्या? उड़ जा, उड़ जाएगी। उड़ जा उड़ जा उड़ जा। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। तो भाई टाइम हो गया है 7:05 अप्रॉक्स, और हम फाइनली पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। पीछे देखो शंकर भगवान दिख रहे हैं, और दिखाता हूँ ऐसे। ये देखो शानदार, ये रहा अपना रोड। इधर से हम होके आए, और ये सब पार्किंग एरिया टाइप है, यहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हैं इजीली। और वैसे कोई आता भी नहीं यहाँ पे, बहुत मतलब बिल्कुल कोई है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ हम ही लोग लग रहा है। ऊपर जाके देखेंगे कोई है कि नहीं है। अभी मुझे याद आ रहा है फिर से वापस है कि हम कोई तो जगह गए थे जो इधर कहीं से होके गए थे, और वापस जाते टाइम हमने ये मंदिर देखा था। तो हम रास्ते में रुक के जूम करके फ़ोटो खींचा था, बट यहाँ आए नहीं थे। फाइनली आज यहाँ पे आ गए इतनी दूर चल के। तो सीन यही है कि तमिलनाडु में एंटर करने के बाद रास्ता थोड़ा ठीक था, उसके पहले रास्ता बहुत ख़राब था। और इधर एंटर करने के बाद फिर ये अपना फॉरेस्ट भी मिल गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो बहुत अच्छा लगा। और राइट नाउ ग्रीनरी इतनी तगड़ी हो चुकी है ना, ये देखो अभी तुम इधर से पहाड़ों का रेंज, ये देखो कितना बेहतरीन ग्रीनरी है।
अभी कुछ महीनों पहले हम लोग यहाँ पे राइड करने आ रहे थे ना, बिल्कुल सूखा पड़ा था, अभी बेहतरीन नज़ारा आ चुका है। तो फिलहाल थोड़ा यहाँ पे इंजॉय करते हैं, उसके बाद ऊपर चलेंगे, फिर दिखाता हूँ ऊपर क्या क्या है। तो भाई ये हमारी गाड़ी हो चुकी है खड़ी यहाँ पे और अपन चल रहे हैं ऊपर। पर आज मैंने पहना हुआ है अपने नए वाले शूज़ उराज़ो के, तो देखता हूँ चलते हुए कैसा फील होता है इसमें। बैग लिया अपने टांग, अब चल रहे हैं ऊपर की तरफ, चल रहे हैं भोलेनाथ से मिलने। देखता हूँ इस वाले शूज़ में कितना कंफर्टेबली वॉक कर सकता हूँ। अरे यार वॉक के कर सकता हूँ, शूज़ तो यही निकालना ही पड़ेगा, मंदिर में जा रहे हैं ना। तो भाई सीन ये है ना, शूज़ हमने निकाल दिया है, यहाँ से शुरू होती है सीढ़ियाँ और मुझे लग रहा है हमें शूज़ निकाल देना चाहिए, तो हमने शूज़ निकाल के हाथ में ले लिया है, यहाँ रखना नहीं चाह रहे हैं। तो हम शूज़ को ले कर चलेंगे अपने, चलो भाई, और वहाँ पे नीचे कहीं बाहर रख देंगे और फिर भगवान का दर्शन करेंगे। चलो फटाफट सीढ़ी से ऊपर चलते हैं। ये पहुंच गए हम ऊपर, वो हमारी बाइक खड़ी है उधर, यहाँ से हम सीढ़ियों से चढ़ गया है। ये रहा पूरा मंदिर का एरिया, ये रहे भोलेनाथ, अभी देखते हैं क्या क्या घूमना है। ये रहा टॉप पे मंदिर और वो रही हमारे भोलेनाथ की मूर्ति, और ये चारों तरफ का व्यू देखो भाई, बेहतरीन नज़ारा है, बेहतरीन। अभी हम बाकी एरिया एक्सप्लोर करते हैं चल के। ये मस्त थोड़ा सा तालाब जैसे दिख रहा है, इधर चलते हैं देखते हैं क्या है। ड्रिंकिंग वाटर किधर है, उधर। हाँ ये क्या चीज़ है, पूजा करने वाला। ये रहा दूसरा पार्ट बैठने के लिए भी है, यहाँ से भी सेम व्यू पहाड़ों का। कोई हमारे अलावा कोई आदमी नहीं यहाँ पे, टोटल पीस, कुछ ज़्यादा ही पीस हो गया। खतरनाक खतरनाक, एक आदमी नहीं आया हुआ यहाँ पे, सिर्फ हम लोग हैं और पंडित ही हैं यहाँ पे। और ये बेहतरीन नज़ारा देखो, सनराइज हो चुका है प्रॉपर्ली, और ये रहा अपना पूरा चारों तरफ एरिया, मंदिर के उस साइड भी सेम ग्रीनरी, इस साइड भी सेम ग्रीनरी। तो भाई टाइम हो गया है 8:16 और यहाँ कुछ खास घूमने को नहीं है, बस वो हम सीढ़ियों से आए, भोलेनाथ का दर्शन किए, वहाँ मंदिर पे गए और एक उस साइड में गए, दो जगह पे बैठने के लिए पूरा सिटिंग एरिया बनाया गया है, बस इतना ही है। लेकिन ये पूरा का पूरा पहाड़ के ऊपर है, बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है और चारों तरफ आपको ये पहाड़ों के रेंज दिखाई देंगे, बेहतरीन। और कुछ यहाँ पे खैर है नहीं, तो ये अपना भोलेनाथ का बड़ा सा मूर्ति है, फोटो वगैरह लिया हमने, वहाँ पे शिवलिंग है। अब जिस तरह से हम वापस आए थे ऊपर, उस तरह से हम वापस नीचे आ रहे हैं, और कुछ हमारे पास प्लान नहीं है, नीचे जाते हैं सोचते, अगर और कोई प्लान होता है तो आगे एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ से हम रिटर्न हो जाएंगे। तो चलो नीचे चला जाए। तो भाई नीचे उतर चुके हैं हम लोग, और थोड़ा कन्फ्यूज़न था तो हम जूता अपना ऊपर ही लेके चले गए थे, बट आई थिंक हमें जूता नीचे ही उतार के जाना चाहिए, कुछ होगा नहीं, गांव काफ़ी दूर है, कुछ उठने का चांस नहीं है, तो शूज़ अपना यहीं निकाल के जाएंगे। लिखा कहाँ है, लिखा तो नहीं है, बट स्टिल जूता चप्पल यहीं निकालो, उसके बाद ही ऊपर जाओ। अब जूता पहनते हैं और उसके बाद निकलने की कोशिश करते हैं भाई यहाँ से। तो भाई फाइनली हम आ गए नीचे,
और हो चुका है प्रॉपर धूप। देखो चारों तरफ धूप हो गया है, ये जो पूरा पूरा का पूरा पूरा छांव होता था ना, भी धूप हो गया है। तो सीन ये है कि ये बहुत ही ऑफ बीट लोकेशन है, यहाँ पे बहुत ही कम लोग आते हैं। जब हम लोग आए थे ना तो कोई नहीं आया था यहाँ पे। अभी फ़िलहाल में 8 बजे के बाद से कुछ लोग आना शुरू हो गए हैं, फैमिली टाइप के लोग हैं, कुछ पूजा पाठ होगा, शादी से रिलेटेड कुछ पूजा पाठ होगा, उसके लिए लोग अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। वहाँ पे गाड़ी खड़ा किया उन लोगों ने और ऊपर गए थे, तो हम थोड़ा कंफ्यूज थे, हम अपना शूज़ लेकर ही ऊपर चले गए थे और वहाँ पे किनारे कहीं रख दिया था। बट हमें शूज़ यहीं रखना है भाई, शूज़ यहीं उतारो और पैदल पैदल जाके ऊपर चारों तरफ घूमो, ये सिस्टम है यहाँ पे। और बाकी ये देखो कुर्सी तो लगी है बट पेड़ नहीं है यहाँ पे छांव के लिए, तो पूरा का पूरा धूप आ चुका है। तो यही है, काफ़ी ठीक ठाक था, अच्छा था, मतलब बहुत शॉर्ट राइड था, ऐसा लग रहा था कि आए और ख़त्म ही हो गया, क्योंकि और कुछ करने के लिए यहाँ पे है नहीं। तो बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं घर पे, क्योंकि और कहीं जाने का प्लान है नहीं, अपना धूप हो गया है। और जैसा कि मेरा मानना है कि हम एक जगह पे एक दिन में एक जगह ही कवर करते हैं, तो अभी मैं यहाँ से हम लोग गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं घर की तरफ। तो भाई ये रही अपनी बाइक और ये रहे भोलेनाथ, हमारा राइड हो गया कंप्लीट, अभी नीचे उतरते हैं, उतरते हुए कुछ बढ़िया सा शॉट लेते हैं। गाड़ी गई उलट हमारी। तेल चूरा है क्या? पेट्रोल है कि पानी है? वो तो हल्का सा चूजा लोकर बात तो कुछ हो ही नहीं। इसी पे तो रगड़ाई भी करता है और कुछ नहीं रगड़ाता है, और हल्का सा इस पे। वो तो रहा। ओ भाई एग्जिट शॉट लेने के चक्कर में गिर गया मैं एक बार और। ओ भाई साहब तो फाइनली भाई हम आ चुके हैं नीचे और आज का ट्रिप हमारा हुआ कंप्लीट। तो अब सीधे हम घर निकलेंगे, और कोई प्लान्स है नहीं हमारे पास। और जैसा कि एक बार मैं एक जगह कवर करता हूँ मैं, तो उसके हिसाब से घर ही निकलना बेहतर रहेगा, और कुछ करने के लिए है नहीं यहाँ पे। तो ये था कुछ आज का हमारा संडे राइड का विजुअल। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इसी के साथ वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून।